बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ड्राइवर, राइडर, मैनेज, एक्सपेंस, व्हीकल एक्सपेंस, लॉग बुक किस तरह से एक्सेल में बनेगी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। उनका रिकॉर्ड सारा मेंटेन रखने का काम जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एक फॉर्मेट टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ बनाने का तरीका। इसमें सबसे पहले यहाँ पर डेट का एक कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ पर जर्नी, और इनको मैं यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा फ्रॉम और यहाँ आ जाएगा टू, कहाँ से कहाँ तक। इनको दो रो को मर्ज, और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ से प्लस से रो ऐड कर लेते हैं। यहाँ तीन कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी ऑडोमीटर रेटिंग। स्टार्ट, फिनिश, डिस्टेंस, ब्रैकेट में आ जाएगा किलोमीटर, रीजन टू ट्रिप, रीजन फॉर ट्रिप। यहाँ पर आ जाएगा ड्राइवर सिग्नेचर, यहाँ नंबर प्लेट, और इसको बॉक्स में ले लेते हैं। ये चीज़ें ऊपर सेट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ आ जाएगा टू, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स दे देते हैं। यहाँ से इन दोनों को भी मर्ज। ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। इधर हम बॉर्डर कर लेते हैं ऑल, और कलर एंट्री जहाँ तक करनी है हमें काम वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। अलाइन सेंटर ओमिट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और मिडल। टाइमिंग को भी अगर मेंशन करना है, आउट टाइम और फिर वापसी रिटर्न का वो है, तो इसके लिए भी कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो कॉलम ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर मर्ज। आवर्स, आउट और रिटर्न, ठीक है जी। डेट यहाँ पर आ जाएगी टुडे, करंट आज की डेट के लिए, और इसका फॉर्मेट यहाँ से मैं डे के साथ चारों लॉन्ग कर लेते हैं, इस दिन को ये गए, और टाइम जितने बजे गए हैं वो टाइम हम लिख लेंगे अब, और रिटर्न हुए हैं ये रात को 9 बजे, ठीक है जी। फॉर्मेट इसका सिलेक्ट कर लें, कस्टम मोर, और यहाँ से कस्टम सेटिंग AM PM। अब ये जो आप 24 घंटे के हिसाब से इन आउट करेंगे उसका टाइम, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा टाइम का, एक इधर कर लेते हैं टोटल आवर्स, ठीक है जी। रिटर्न माइनस आउट, इसको इस तरह से रखना, इस तरह रख लें आवर मिनट के टाइम फॉर्मेट में। इंटर और ड्रैग, और इसको भी कलर कर लेते हैं, जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वो कलर में ले आते हैं। फ्रॉम हैदराबाद,
कराची। ठीक है जी, इस तरह से एंट्री होगी। स्टार्ट रीडिंग जो थी ठीक है जी, स्टार्ट रीडिंग और फिर वापसी 56,970 डिस्टेंस के लिए इक्वल। ठीक है जी, फार्मूला कोई भी लगेगा, इक्वल सबसे पहले आता है, इक्वल फर्स्ट सेल में लगाएंगे और फिनिश टाइम माइनस फिनिश रीडिंग यानी जो ऑर्डर रीडिंग रीडिंग है वो फिनिश सेल फर्स्ट माइनस कर देंगे स्टार्ट सेल, स्टार्ट रीडिंग एंटर, और टोटल डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर वो आ जाएगा और ड्रैग कर लेंगे इसको। और इधर भी फार्मूला है, यहाँ पर हम कलर दिखाएंगे, इसमें कलर शो करिए, इन सेल को यहाँ से सिलेक्ट मूव कर लेंगे इधर स्टार्ट की तरफ या सेंटर रख लें जहाँ आपको सही लग रहा है। इसके अलावा ये जो वैल्यू शो हो रही है ये शो ना हो, तो टाइम एंट्री होगी तो यहाँ पर हमारे पास ये एंट्री होगी फर्स्ट कॉलम में, अगर कोई एंट्री हो रही है डेट, वरना तो यहाँ ब्लैंक हो जाए। तो इसको हम इफ कंडीशन में ले लेंगे, फार्मूला बार में देख लें, फर्स्ट सेल क्लिक करके यहाँ फार्मूला बार में आ जाएंगे, इफ डेट सेल फर्स्ट सेलेक्ट की हमने कहा बराबर है अगर इक्वल साइन के ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए कॉमा, वरना तो वैल्यू फॉल्स में टाइम माइनस कर दो। अब कोई वैल्यू होगी तो ये टाइम को कैलकुलेट करेगा, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। सही है, सेल चेक किया A6 हमारा डेट सेल होने का ब्लैंक होगा, तो इस सेल में भी ब्लैंक हो जाए वरना टाइम माइनस करें। अब जो जीरो शो हो रहा था ये नहीं होगा इस तरह से आपका। सेम यही हम स्टार्ट एंड रीडिंग जो जीरो आ रही है उसके लिए भी यही तरीका यूज़ करेंगे, इफ ब्रैकेट डेट सेल एंट्री होगी तो फिर यहाँ पर वैल्यू आएगी, वरना नहीं तो ब्लैंक बराबर है दो इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, नहीं तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए वैल्यू फॉल्स में फिनिश माइनस स्टार्ट रीडिंग आ जाएगी एंटर। अब ये जो वैल्यू शो हो रही है ज़ीरो ये नहीं आएगी सेल में, तो ये टेक्निक है। ठीक है जी, इस तरह से कि जब एंट्री होगी तो आंसर आए वरना तो ब्लैंक रहें सेल हमारे। इसको भी सेंटर वगैरह करना है, यहाँ से सेंटर कर लें, बोल्ड फॉर्मेट में करना है, बोल्ड फॉर्मेट जरा फार्मूला है ताकि थोड़ा वाजे रहे हमारे पास। ठीक है जी, 14 फॉन्ट मैंने इसके रख लिए, रीज़न फॉर ट्रिप बिजनेस ट्रिप। ठीक है जी, यहाँ ड्राइवर सिग्नेचर ऑल ऊपर से सिलेक्ट, मर्जन सेंटर, मर्जन सेंटर यहाँ हेडिंग टाइप कर दी मैंने, व्हीकल एक्सपेंस लॉग बुक बिजनेस पर्पस शोरूम रेंट अ कार या ड्राइवर या राइडर इसको मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल एक्सपेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ड्राइवर राइडर रेंट अ कार वाले शोरूम वाले उनके बिजनेस पर्पस के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा यहाँ बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से और स्टार्ट रॉ के पास से दोनों को मैंने सिलेक्ट करा, हेडिंग्स को बड़ा किया यहाँ से और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जो मज़ीद इसमें काम करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ऑटोमेटिक फार्मूला जो होगा इसके अंदर ऐड होता रहेगा। जैसे इसमें मैंने प्लस वन किया नेक्स्ट डेट का, टाइम इन आउट यही कर लिया मैंने, नेक्स्ट डे को भी सेम यही रख लेते हैं, और इस दफ़ा हमने 7 कराची और यहाँ पर रीडिंग होगी इसकी, इस रीडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं एंटर। और यहाँ से जब वापसी की रीडिंग आई तो यहाँ पे वापसी की रीडिंग आई तकरीबन 57,500। ठीक है जी, किलोमीटर एन आवर डिस्टेंस बिजनेस ट्रिप और ये ड्राइवर सिग्नेचर। तो इस तरह से बस कंटिन्यू आपको ऐड करना है, फॉर्मेट बना लिया आपने, उसके बाद जो भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पर आपको ऐड करते रहना है, बाकी डेटा आपका खुद ब खुद आवर्स का डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से आता रहेगा। यहाँ पर फ्यूल वगैरह लिखनी है, फ्यूल के एक्सपेंस वगैरह के कॉलम भी आप बना सकते हैं, अमाउंट रिटर्न वगैरह अगर करना है तो, जैसे रिम्बर्समेंट होती है तो उसमें आप कितने रिटर्न हुए या कंपनी की तरफ से मिले हैं उसका कॉलम बना के भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं।
अब सब तो मैं नहीं बताऊंगा ना, कुछ आप भी अपने पास से करके देखें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।